यहाँ पे टैक्सी आप चलाते हैं, यहाँ पे कितना इनकम हो जाता है, नॉर्मल कितना हो जाता है एक दिन का? जैसे आप हर दिन निकलते होंगे यहाँ पे टैक्सी लेके निकले रोड पे, तो कितना पैसा कमा लेते हैं रोज़ का, ये बताइए। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज़, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कतर में टैक्सी ड्राइवर में जो लोग आना चाहते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल, किसी भी कंट्री से, उनके लिए एक ऐसा जॉब है यहाँ पर, कितना पैसा कमा लेते हैं मंथली। तो चलिए मिलाता हूँ मैं आपसे, ड्राइवर, एक टैक्सी ड्राइवर मिले हैं मुझे, उनसे आज बात करेंगे, उनके बारे में पूछेंगे कहाँ से है और यहाँ पे टैक्सी ड्राइविंग का जॉब करना कैसा होता है। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले उनसे पूछते हैं उनका नाम। अब भाई बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है सईद शहजाद, मैं पेशावर से, ज़िले कोरम से मैं इधर आया हूँ। तकरीबन मेरा तकरीबन इधर 8 महीने हो गया है। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे टैक्सी आप चलाते हैं, यहाँ पे कितना इनकम हो जाता है, नॉर्मल कितना हो जाता है एक दिन का? जैसे आप हर दिन निकलते होंगे यहाँ पे टैक्सी लेके निकले रोड पे, तो कितना पैसा कमा लेते हैं रोज़ का, ये बताइए। भाई कभी कभार होता है 200-250 रियाल होता है, इसमें गाड़ी का रेंट भी है, यानी महीना में 2500 रेंट देता हूँ गाड़ी का, और पेट्रोल भी ख़ुद का है, 50-60 रियाल पेट्रोल डालता हूँ, इसके बाद मैं ख़ुद के लिए कमाता हूँ। चलिए, तो अप्रोक्स आप 6000-7000 रियाल कमा ले रहे हैं महीना, अगर 200-250 रियाल आ रहा है आपको, तो 6000-7000 रियाल मंथली कमाते हैं। ठीक है, एकोमोडेशन हमारा खुद का है, रिहाइश अपना है। अच्छा, तकरीबन बच जाता है 2000 तकरीबन बच जाता है। यहाँ पे अगर किसी को अगर जॉब चाहिए टैक्सी में, तो कैसे अप्लाई करें आने के लिए यहाँ पे, टैक्सी ड्राइविंग के लिए यहाँ पे कैसे आएगा वो, ये बताइए, उसके बारे में बताइए। वो इधर आएगा, वो वीज़ा ख़रीदेगा लिमोजिन का। अच्छा, हाँ, फिर इधर आएगा, लाइसेंस बनाएगा, एक अच्छे से स्कूल में वो अपॉइंटमेंट लेगा, फिर वो देगा लाइसेंस, दो ड्राइव देगा दो। अच्छा, ड्राइविंग लाइसेंस निकालना कैसा है यहाँ पे, टफ है या फिर कैसा है, ये बताइए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इधर तो कतर में लाइसेंस लेना तो बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि इधर बहुत मेहनत करना पड़ेगी, बहुत मुश्किल है। मैंने भी तकरीबन 6 महीनों में लिया है। 6 मंथ लगा आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेने में? 6 मंथ्स लगा भाई, बहुत टाइम लगा, इधर तकरीबन 6-7 हज़ार रियाल मेरा गया। एक्चुअली गाइज, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे टेस्ट होता है, और यहाँ पे एक अटेम्प्ट का यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कोर्स है, 6000 रियाल का भी एक कोर्स है, VVIP है, और हाफ़ कोर्स होता है, हर तरह का कोर्स होता है यहाँ पे। ठीक है, कैटेगरीज होता है उसमें कोर्स में भी, तो आपको अगर ड्राइविंग आती है तो यहाँ पे आप हाफ़ कोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं हाफ़ कोर्स के लिए, अगर अगर नहीं आती है तो आपको सीखना पड़ेगा फुल, यहाँ पे स्कूल में एडमिशन, ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा, और वो आपको क्लासेस देंगे ड्राइविंग के लिए। तो ठीक है, थोड़ा सा टफ तो होता है, लेकिन आप आ सकते हो यहाँ पे, जो आना चाहते हैं उनके लिए ये सही भी है। और आप अप्रोक्स, जैसे ये भाई ने बताया अभी, 6000-7000 रियाल अगर कमा रहे हैं मंथली, तो सही है। उसमें अगर आपके पास अगर अपना कार नहीं है तो आपको रेंट देना पड़ेगा, जैसे इसका रेंट है, ये कार जो है जिसमें हम लोग जा रहे हैं अभी, इसका रेंट है, ये रेंटेड कार है, तो इसका 2000-3000 रियाल जो भी है, हर कंपनी का अलग अलग होता है, ठीक है, वो देने के बाद 3000-4000 रियाल आप बचा लेते होंगे यहाँ पे, आप तकरीबन ये बचता है, इससे ज़्यादा नहीं है रेंट कार। और इसके बाद जो कंपनी पे आता है वो अपना कंपनी पे भी काम कर सकता है, इधर कंपनी का वो सैलरी लेता है, वो ऐसे नहीं है, वो 3000-3500 वो कंपनी में देता है। गाइज, एक चीज़ और है, अगर आप डायरेक्ट कंपनी में, किसी कंपनी में भी आ रहे हो तो वो अच्छा डील होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपको रहने का, खाने का, एकोमोडेशन सब कुछ कंपनी प्रोवाइड करती है, वीज़ा भी कंपनी प्रोवाइड करती है, तो उसमें एक अच्छा डील ये है कि आपको किसी चीज़ का टेंशन नहीं है, और एक आपका जो फिक्स सैलरी होता है ना कंपनी में आने के बाद, क्या होता है कि आपका जो फिक्स सैलरी है वो आपको मिलेगा। ठीक है, फिक्स सैलरी आपको, जितना भी सैलरी इंडिया से लगा हो आपका, और जितना सैलरी आप एक्सेप्ट कर रहे हो कंपनी जो ऑफर करता है आपको वीज़ा, इवन वीज़ा का आपको सिर्फ आना है, और यहाँ पे जो फिक्स सैलरी है वो आप उतना कमा सकते हो, फिक्स सैलरी आप ले सकते हो। और इसमें टैक्सी में क्या है कि अगर टैक्सी में आप आ रहे हो तो आपका खुद का एकोमोडेशन, लॉजिंग, फूडिंग, एवरीथिंग यू हैव टू अरेंज फॉर योर सेल्फ। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे जो गाड़ी चलाते हैं लोग, उनके लिए ट्रैफिक रूल थोड़ा सा हार्ड होता है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ से हार्ड होता है, और फ़ाइन भी ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ बताएं आप, जो आना चाहते हैं वो थोड़ा सा उनको जानकारी मिलेगा, तो बताएं। हाँ भाई, इधर तो कानून बहुत सख्त है, इधर अगर किसी ने सिग्नल तोड़ा तो उसके तकरीबन 6000 रियाल मुखालफा है, अगर स्पीड कैमरे ने फ्लैश किया तो उसका तकरीबन 500 है, ये ऐसे कानून होते हैं इधर, पाकिस्तान इंडिया से तो बहुत सख्त है, इधर कानून है भाई।
यहाँ पे गाइस क्या है कि आप आ रहे हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद रूल फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सिग्नल तोड़ नहीं सकते हो आप, या फिर ओवर स्पीड नहीं कर सकते हो। जहाँ पे जिस रोड पे जिस लेन पे जितना स्पीड फिक्स है उसी हिसाब से आपको ड्राइविंग करना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं तो बस आपको गाइस फाइन लगेगा यहाँ पे, ठीक है। फाइन से अगर बचना है तो यहाँ के रूल को हमेशा फॉलो करें। मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो यहाँ पे आना चाहते हैं टैक्सी ड्राइविंग में, उनके लिए ये जॉब कैसा है। और जैसा भाई ने बताया, अगर आपको आना है यहाँ पे टैक्सी ड्राइविंग में, तो बहुत सारी कंपनी, देखिए आपको क्या होता है ड्राइविंग में दो टाइप का जॉब होता है। कंपनी में आएंगे आप तो कंपनी आपको वीज़ा से लेके सारा चीज़ प्रोवाइड करता है, और अगर आप खुद का इंडिविजुअल वीज़ा लेके आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो लिमोजिन एक कंपनी है जिसमें आपको अप्लाई करना है और उसके थ्रू वो वीज़ा आपको इशू करेगा। उसका जो भी चार्जेस है उसको पे करना पड़ेगा आपको, और वीज़ा इशू करने के बाद आपको यहाँ पर आना है। जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कतर का, उसके लिए ईजी है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जिसके पास नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस, उसको यहाँ पर एडमिशन लेना पड़ेगा यहाँ पे स्कूल में, ड्राइविंग स्कूल में, और कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। उसमें पास खलीजी लाइसेंस है या इमारात का या सऊदी का, वो इधर डायरेक्ट टेस्ट भी दे सकता है। अच्छा, जिसके पास कतर छोड़ के अगर दुबई, सऊदी, बहरीन, ओमान कहीं का भी लाइसेंस है, उसके लिए क्या है? हाँ, खलीज का लाइसेंस अगर होता है तो उसके पास तो फिर तकरीबन 1,000 से 1,500 तक उसका हो जाता है खर्चा, फिर डायरेक्ट टेस्ट देता है वो। अच्छा, जिसके पास है गाइज उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं है। जिसको ऑलरेडी ड्राइविंग आती है और गल्फ़ में जो ऑलरेडी ड्राइव कर चुका है, उसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं है। यहाँ पे आइए और यहाँ पे अप्लाई कीजिए। ऑफ कोर्स एक या दो टेस्ट होता है उसके लिए, और आप टेस्ट पास कीजिए, आपको लाइसेंस मिल जाएगा और पैसा भी कम लगता है, ठीक है गाइज। तो ये जो इन्फॉर्मेशन था मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था अपने यूट्यूब के थ्रू। और गाइज अगर आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन सही लगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।